तो दोस्तों ये 2013 मॉडल है और 1,80,000 किलोमीटर चली हुई है। टायर भी इसका बिल्कुल सही है, चारों टायर सेम इसी कंडीशन में है। तो और टूल किट वगैरह है, थोड़ा बहुत जो सामान है, बहुत सी गाड़ियाँ दोस्तों। और उधर टोटा यारिस खड़ी है ये सामने, ठीक है। तो इसका इंशाल्लाह, तो दोस्तों इसका प्राइस है 16,000 रियल, 17,000 इसका प्राइस है। गाड़ी साथ हमारा बिल्कुल नया है, गाड़ी अंदर से भी बिल्कुल साफ है। और बस इसका चेक करना है जरूरी दोस्तों कि इसका इंजन गियर और चेसिस अगर सही है तो उस हिसाब से ये गाड़ी प्राइस में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये टोयोटा कोरोला है 2011 मॉडल और 3,00,000 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। इसका इंजन गियर चेसिस ये तीन चीज़ की गारंटी है। जब आप लोग चेक करवाएंगे तो जिसकी गाड़ी है अगर कुछ भी निकलता है गाड़ी में इंजन गियर और चेसिस में तो वो मसूल है, वो जिम्मेदार है जिसकी गाड़ी है वो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी इसका रेट और मोबाइल नंबर और लोकेशन है दोस्तों इमारत अल कासिया रियाद सऊदी अरबिया 8 नंबर, ये वहाँ पर यह गाड़ी खड़ी हुई है। तो पहले आप लोग को गाड़ी में चेक करवा दूँ, ये 2011 मॉडल है, 3,00,000 किलोमीटर चली हुई है, ये चेक कर लें। कंडीशन दोस्तों गाड़ी की बहुत अच्छी है, ठीक है। रेट अभी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी की कंडीशन एक नंबर है। ये इसका बैक प्रोफाइल, 1600 cc इसका इंजन साइज है और XLi टोयोटा कोरोला XLi 3,00,000 किलोमीटर चली गई है। बम्पर इसका जो है रिपेंट है, क्लियर है, इसका बम्पर जो है रिपेंट है। बाकी ये दोनों दरवाज़ा इसका जो है ये भी रश है, रिपेंट है, बोला एक्सीडेंट है लेकिन रिपेंट है। अभी रिपेंट किस वजह से है ये तो आप लोग को आकर जब चेक करवाएंगे तभी पता चलेगा कि गाड़ी में एक्सीडेंट है या नहीं, माजून है या नहीं दरवाजे पे। और दोस्तों इसका फास इस्तेमारा बिल्कुल नया है, विंडशील्ड इसका चेंज है सामने का, बाकी ये वाला तो जेन्युइन है, ये भी चेंज है दोस्तों, ठीक है। और पीछे वाला जेन्युइन है, इसका ये भी दोस्तों जेन्युइन है। इसका सामने वाला और वो छोटा वाला विंडशील्ड जो है चेंज है। बाकी दोस्तों इसका मैं आप लोगों को पहले ट्रंक चेक करवा दूं, ये गेट नहीं खुलता दोस्तों, ये गेट थोड़ा टाइट है, ये गेट भी थोड़ा टाइट है। ये इसका ट्रंक खुल गया दोस्तों, ये चेक कर ले आप लोग। स्पेयर वगैरह सब है इसमें, स्पेयर बिल्कुल नहीं हाल में है। और टूल किट वगैरह है, थोड़ा बहुत जो सामान है। और दोस्तों इसका इंटीरियर ये चेक कर ले, गाड़ी बिल्कुल साफ है दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसका आर्मरेस्ट भी टूटा हुआ है, निकला हुआ है, ये निकला हुआ दोस्तों। और विंडोज पावर है दोस्तों, और साइड मिरर भी अपना पावर है, और गियर ऑटोमेटिक है, ये चेक कर लें, गियर इसका ऑटोमेटिक है। बाकी गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है दोस्तों, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसका इंजन भी चेक करवा दूं आप लोगों को, मोबाइल पे मैसेज फोन आ जाता है बार बार दोस्तों, तो इसलिए ये चेक कर ले। माशाल्लाह इंजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है दोस्तों। गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है, गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है। अभी इसका प्राइस है दोस्तों, मैं उससे जिसकी गाड़ी है मैं उससे बात किया था तो वो बोल रहा था 35,000 रियल, ठीक है, तलातो तलाती नल्फ, लेकिन मैं कम करवाते करवाते वो 30,000 बोल रहा लास्ट तलाती नल्फ। तो 30,000 रियल इसका प्राइस है। अगर किसी भाई को ये वाली गाड़ी चाहिए तो नंबर है स्क्रीन पर, आप लोग जो है बात कर सकते हैं। टोयोटा कोरोला 2011 मॉडल है और पूरी की पूरी गाड़ी जर्मन, बस ये इसका दो दरवाज़ा बोला रश खारजी है, बाहर से रिपेंट की गई है, ठीक है। तो अगर किसी भाई को गाड़ी चाहिए तो नंबर है स्क्रीन पर, आप लोग बात कर सकते हैं।
और दोस्तों ये हुंडई एक्सेंट है 2020 मॉडल और 40,000 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, 40,000 किलोमीटर चली हुई है, 2020 मॉडल है, पूरी की पूरी गाड़ी अभी जर्मन वकाला है, कहीं से ये गाड़ी जो है रिपेंट नहीं है ना ही एक्सीडेंट है, और फास इस्तेमारा बिल्कुल नया है इसका भी, वो भी जो कोरोला दिखाया था अभी उसका भी फास इस्तेमारा बिल्कुल नया है। और ये चेक कर ले, सिर्फ 40,000 किलोमीटर चली हुई है, दो हज़ार बीस मॉडल है, और इंजन साइज इसका 1400 सीसी 2020 मॉडल, और गाड़ी बिल्कुल न्यू टेन के लिए है दोस्तों, बिल्कुल साफ़ है, और इंटीरियर न्यू गाड़ी है दोस्तों, बिल्कुल न्यू है, कोई शिकायत नहीं है गाड़ी में। इसका विंडशील्ड मैं चेक करवा दूँ आप लोगों को, विंडशील्ड इसका जेन्युइन वकाला है। तो दोस्तों इसका प्राइस है 43,000 रियाल, ठीक है, 3,000 इसका प्राइस है, और इसके जस्ट बाजू में खड़ी है ये 2021 मॉडल है, और ये तकरीबन 38,000 किलोमीटर चली हुई है, इसका प्राइस है 50,000 रियाल। ये 2020 मॉडल है, 40,000 चली है, इसका प्राइस है 43,000 रियाल, 43,000 रियाल इसका प्राइस है, इसका प्राइस है 50,000 रियाल 50,000। ये 2021 मॉडल है और चली हुई है 38,000 किलोमीटर। तो इन दोनों गाड़ियों में से अगर किसी भी भाई को कोई भी गाड़ी चाहिए दोनों एक्सेंट में से, तो एक्सेंट का नंबर स्क्रीन पर है, आप लोग जो है बात कर सकते हैं हुंडई एक्सेंट के लिए। तो चलिए आगे चलता हूँ दोस्तों, कुछ गाड़ियाँ और है, लो प्राइस की गाड़ियाँ हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। और दोस्तों ये निसान सन्नी है 2011 मॉडल, ठीक है, और 3,60,000 किलोमीटर चली हुई है, और ये गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी रिपेंट है, पूरी फुल्ली गाड़ी रिपेंटेड है, क्योंकि इसका कलर जो है बिल्कुल कम हो गया था, हल्का हो गया था, तो फास्ट दौरी के लिए ये गाड़ी रिपेंट की गई है। बाकी मैं चेक करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये चेक कर ले, कंडीशन अच्छी है दोस्तों गाड़ी की, और इसका फास्ट इस्तेमारा बिल्कुल नया है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। बाकी गाड़ी फुल्ली रिपेंटेड है, और देखने में भी गाड़ी माशाल्लाह अच्छी दिख रही है, और काफ़ी लो प्राइस में है, और इसका इंजन गियर चेसिस बिल्कुल सही है, जिसकी गाड़ी है उसके बताने के हिसाब से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसका इंजन गियर चेसिस बिल्कुल सही है। उसके बावजूद भी आप लोग आए तो गाड़ी चेक करवाएं, तभी गाड़ी जो है परचेज़ करें, और टायर वायर भी इसका काफ़ी अच्छी कंडीशन में, टायर इसका बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों, एक रियाल का खर्चा नहीं है गाड़ी में, गाड़ी बिल्कुल रेडी है, बस आप लोगों को इंश्योरेंस और जो ट्रांसफ़र करने की जो फीस लगती है वही लगेगी बस, बाकी गाड़ी चारों के चारों टायर जो है एक रियाल का खर्चा नहीं है दोस्तों गाड़ी में। इंटीरियर इसका गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है दोस्तों, अंदर से गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, और गियर ऑटोमेटिक है, विंडोज़ आगे के दो ऑटो है, पीछे के दो मैनुअल है, गाड़ी साफ़ है दोस्तों, गाड़ी काफ़ी साफ़ है, और 2011 मॉडल है, 3,00,000 किलोमीटर चली हुई है। तो दोस्तों इसका प्राइस है 17,000 रियाल, ठीक है, 17,000 इसका प्राइस है, 17,000 रियाल इसका प्राइस है, एक रियाल का खर्चा नहीं है दोस्तों गाड़ी में। अगर आप लोग कोई और गाड़ी खरीदेंगे, मान लीजिए कोई और गाड़ी मिल गई आप लोगों को 11 मॉडल, ठीक है, मान लीजिए कोई और गाड़ी आप लोग को 11 मॉडल मिल गई, वो भी सेम चली हुई है, और उसका प्राइस मान लीजिए 13,000-14,000, तो जितना इसमें काम हुआ है दोस्तों उस हिसाब से ये गाड़ी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, पूरी की पूरी गाड़ी रिपेंट हुई है, और गाड़ी फास्ट इस्तेमारा बिल्कुल नया है, गाड़ी अंदर से भी बिल्कुल साफ़ है, और बस इसका चेक करना है जरूर दोस्तों कि इसका इंजन गियर और चेसिस अगर सही है तो उस हिसाब से ये गाड़ी प्राइस में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो 70,000 रियाल इसका प्राइस है, अभी नंबर शेयर कर रहा हूँ मैं। और एक और गाड़ी है दोस्तों, ये है चेवरलेट की मलिबो है, और ये कितना मॉडल है दोस्तों चेक करना पड़ेगा, तो अभी चेक किया मोबाइल में, ये 2013 मॉडल है, और 1,80,000 किलोमीटर चली हुई है, बैक प्रोफाइल इसका चेक कर लें, चार पार्किंग सेंसर है, रियर कैमरा शायद नहीं है, रियर कैमरा नहीं है दोस्तों, 2013 मॉडल है, 1,80,000 किलोमीटर चली हुई है, और दिखने में तो गाड़ी माशाल्लाह अच्छी दिख रही है, कलर भी ब्लू कलर की गाड़ी है, और बम्पर इसका दोस्तों ये निकला हुआ है इसका हुक, और ये भी फास इस्तेमारा इसका भी बिल्कुल नया है, जितनी भी गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ फास वगैरह बिल्कुल नया है,
गाड़ी बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ड्राइव है, तो बस इसको चेक करवाने की ज़रूरत है। यानी आप लोग चेक करवाएं, कंडीशन में गाड़ी अच्छी है तो उसको जो है परचेज़ कर लें। यहाँ पे स्क्रेच है, लाइट भी इसका थोड़ा पुराना है, खास है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चल जाएगी। और इंटीरियर गाड़ी अंदर से बिल्कुल साफ़ है, गियर ऑटोमेटिक है, विंडो साइड मिरर सब पावर है, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ये 2013 मॉडल है और 1,80,000 किलोमीटर चली हुई है। टायर वायर भी इसका बिल्कुल सही है, चारों टायर सेम इसी कंडीशन में है। तो दोस्तों इसका प्राइस है 16,500, सित्ता अशर अल्फ खमसमिया 16,500 इसका प्राइस है। और ये है दोस्तों क्रूज़ चेवरलेट की, ये भी है, ये सोनिक है दोस्तों, ये सोनिक है 2012 मॉडल और 1,50,000 किलोमीटर चली हुई है, ये भी कंडीशन में अच्छी है। बाहर से दोस्तों अच्छी दिख रही है, बाहर से जो गाड़ी दिख रही है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये चेक कर लें, ये इसका भी टायर और सही है, ठीक ठाक है। यहाँ पर हल्की सी गाड़ी लगी हुई है दोस्तों, और ये स्क्रेच है इधर। गाड़ी दोस्तों काफ़ी अच्छी कंडीशन में है बाहर से, ठीक है। अभी इसका इंजन अगर बोनट, गाड़ी तो लॉक है, सारी गाड़ियाँ लॉक है। अभी इसका इंजन खुले तो पता चले कि गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं, इंजन क्या कंडीशन है। तो इंटीरियर चेक कर ले दोस्तों, ये भी गाड़ी माशाल्लाह काफ़ी साफ़ अंदर से, बिल्कुल साफ़ है, कोई खर्चा नहीं है गाड़ी में। और गियर ऑटोमेटिक है, विंडो साइड मिरर सब पावर है, क्रूज़ कंट्रोल शायद से नहीं है इसमें, साइड से चेक करना पड़ेगा दोस्तों, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों इसका प्राइस है 16,000 रियल, सित्ता सरल इसका प्राइस है, सोनिक क्रूज चेवरलेट सोनिक 2012 मॉडल, 1,50,000 किलोमीटर चली हुई है। तो दोस्तों और बहुत सी गाड़ियां हैं, ठीक है, बहुत सी गाड़ियां हैं। अल्टीमा हो गई, ये चेक कर लें, ये अल्टीमा खड़ी है। तो इसका अभी प्राइस वगैरह कुछ कंफर्म नहीं है मुझे, शायद इसका पहले मैं बनाया था वीडियो, यानी मैं शेयर कर रहा हूँ कि और कौन कौन सी गाड़ी है जिसका प्राइस मुझे मालूम नहीं है। तो आप लोग जो अभी नंबर शेयर करूँगा उनसे जो है डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं और प्राइस पूछ सकते हैं कि प्राइस मॉडल क्या है। इधर फोर्ड हो गई, तोरस है फोर्ड, ठीक है, इसका तो सन्नी का तो हो गया। और ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है दोस्तों, पीछे इसका नाम दिया होगा, फिगर पता नहीं कौन सी गाड़ी है दोस्तों। और इधर निसान सन्नी हो गई, इधर फोर्ड है, और अगर निसान इधर क्या होगी, ये हाईलुक्स पुराना मॉडल, अगर हाईलुक्स किसी को चाहिए, और उधर निसान की हो गई, बहुत सी गाड़ियाँ दोस्तों। और उधर टोटा यारिस खड़ी है ये सामने, ठीक है। तो इसका इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में, उधर होंडा एक्शन भी खड़ी है पुराना मॉडल, काफ़ी गाड़ियाँ हैं जिनका मुझे प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं पता है। तो मैं नंबर दोस्तों ये शेयर कर दिया हूँ स्क्रीन पर, अगर वो भी गाड़ी चाहिए आप लोग को, एक्सेंट या फिर यारिस या फिर इनमें से कोई भी गाड़ी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और गाड़ी लेने से पहले आप लोग लाजमी तौर पर चेक करवा लें, तभी गाड़ी जो है परचेज़ करें। और कौन सी गाड़ी और दोस्तों, ये शेंजान भी एक खड़ी है दोस्तों, चाइनीज़ गाड़ी है, इसका भी रेट जो है मैं कंफर्म नहीं किया हूँ। तो बहरहाल दोस्तों ये लोकेशन है इमारत अल कासिया रियाद सऊदी अरबिया 8 नंबर। तो अगर किसी भी भाई को कोई भी गाड़ी चाहिए, नंबर है स्क्रीन पर, आप लोग आइए, बात करिए, गाड़ी पसंद आए तो चेक करवाइए, तभी जो है गाड़ी परचेज़ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।